बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इस समय सातों आसमान पर हैं, क्योंकि उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होने वाली है। अनंत जुलाई 2024 में राधिका मर्चेंट के साथ शादी के लिए तैयार है। इससे पहले कपल के लिए गुजरात के जामनगर में 3 दिनों तक चलने वाले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। इससे पहले हमें दूल्हे की माँ नीता का एक वीडियो मिला, जिसमें वो भव्य शादी के बारे में बात कर रही थी। नीता अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी को लेकर बेहद खुश हैं। हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की है और अपने बेटे की शादी के लिए अपनी 2 महत्वपूर्ण इच्छाओं का खुलासा किया है। कला और संस्कृति के प्रति अपने प्यार और जुनून के बारे में बात करते हुए नीता ने बताया कि वो अपनी जड़ों का जश्न मनाना चाहती है और जामनगर में जश्न मनाना चाहती है, जहाँ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैं कला और संस्कृति से प्रेरित रही हूँ, इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है और मैं इसके बारे में बहुत भावुक हूँ। जब मेरे छोटे बेटे अनंत की राधिका के साथ शादी की बात हुई तो मेरे 2 महत्वपूर्ण इच्छाएं थी। पहली, मैं अपनी जड़ों का जश्न मनाना चाहती थी। जामनगर हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, इसका गहरा महत्व है। गुजरात वो जगह है जहाँ से मैं आती हूँ, ये वो जगह है जहाँ मुकेश और उनके पिता ने रिफाइनरीज का निर्माण किया था और मैंने इस ड्राई और रेगिस्तान जैसे क्षेत्र को एक हरी भरी बस्ती और जीवित समुदाय में बदलते देखा है। नीता अंबानी ने आगे कहा कि वो अपने बेटे की शादी में कला और संस्कृति का प्रदर्शन करके भारतीय कारीगरों और उनके क्रिएटिविटी को ट्रिब्यूट देना चाहती है। ये खुलासा करते हुए कि वो भारत की विरासत का जश्न मनाना चाहती है, उन्होंने भारतीय मातृभूमि के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है और कहा, दूसरा, मैं चाहती हूँ कि उत्सव कला और संस्कृति के लिए एक ट्रिब्यूट हो और हमारे प्रतिभाशाली रचनात्मक लोगों के हाथों और कड़ी मेहनत से बनाई गई हमारी विरासत व परंपरा का प्रतिबिंब हो। मैं भारतीय सभ्यता, प्राचीन और पवित्र भारत भूमि को मेरे दिल से नमन करती हूँ। फिलहाल अपने बेटे अनंत की शादी के लिए नीता अंबानी की इच्छाओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।